पंजाब ड्यूटी मुलाजम अते पेंशनर सांझा फ्रंट वालों जिला सिक्ख्या विभाग के दफ्तर के बाहर पंजाब सरकार का पुतला फूकिया गया, जिस विच प्रधान अश्वनी अवस्थी ने कहा कि पंजाब सरकार मुलाजमान दीयां मंगां नूं पूरा नहीं कर रही अते छेवां पे कमीशन भी लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय विच पंजाब सरकार नूं इसका खमियाजा भुगतना पवेगा। बाजवा कन्वीनर पंजाब एंड ड्यूटी मुलाजम संघर्ष फ्रंट अमृतसर जिला। अज असी जिहड़ा वा साडे स्टेट बॉडी वालों फैसला सी कि जिहड़ा वा पे कमीशन वास्ते सरकार बार बार सानू लारे ला के कदी ते कहंदे वी आ दो तरीक आ रही आ वो कैबिनेट दे विच जिहड़ा वा फैसला होना वा कदी कुछ सानू इह दिस रिहा वी इह लारे लप्पी मतलब कर रहे आ। अज साडा इह सी भी पे कमीशन के मुद्दे से पुरानी पेंशन बहाली लई जिहड़े कच्चे मुलाजम आ वो पक्के करन दे मुद्दे ते अते होर मंगां वास्ते जिहड़ा वा अज दा जिहड़ा एक्शन जिहड़ा कीता जा रिहा सी। अज दा इह प्रोग्राम सारे पंजाब दे विच कैप्टन सरकार दे लारियां दे खिलाफ, वो सरकार जिसने सरकार बनदे सार कहा सी असीं एक महीने दे विच पे कमीशन लागू कर देवांगे, तो अज वो तुसीं देख लो कि लगभग सवा चार साल के करीब हो चले आ, तो इस तों बाद सिर्फ सरकार को छे महीने का ही समा, बाद दे विच चोन कमीशन ने अपना जिहड़ा वा प्रोग्राम 45 दिन वाला लागू कर देना, उन्हां कोई भी सरकार कोई फैसला नहीं लै सकती। तो तुसीं ये देखो कि जिन्नियां भी जिमनी चोणां होईयां हर बार मुलाजमां नूं गलबात दा सद्दा दे के तुहाडियां मंगां पूरियां कर लवांगे। सब तो वड्डी गल कि कैप्टन साहब ने सारी इस टनियोर दे दरम्यान केवल एक बार मुलाजमां नाल गल कीती है, तो जिहड़ा व्यक्ति चार सवा साल अपने घरों ही नहीं बाहर निकलिया तुसीं उहतों की आस कर सकते हो। और जिहड़ा व्यक्ति ये कहिंदा हुंदा सी कि मेरा माली भी जिहड़ा किसी अध्यापक तो किसी आम मुलाजम कच्चे मुलाजम तो वध तनखाह लैंदा है, उसनू साढ़े चार सालों के इस पीरियड के दरम्यान ना तो कच्चे मुलाजम दिसे ना ही कोई पुरानी पेंशन वाला उन्हू नज़र आया। वो नवी पेंशन जे सेंटर वो चीज़ लागू कर रहा, कल सेंटर सरकार ने एक नवा नोटिफिकेशन किया जिहदे अनुसार कि 65 साल की उम्र तक 50% जी किसी भी मुलाजम की डैथ हो जाती जेकर तो वो परिवार को 50% पेंशन मिलनी है। इतने कमेटी बिठाई भी 2-2.5 साल हो गए, ब्रह्म इंदिरा भी कितने सौ गया, चन्नी कितने सौ गया, सानू नहीं इस गल का पता। सो साडे मुलाजमान के अंदर 2 तरीक की बड़ी आस सी कि कैबिनेट के कोई फैसला होएगा, पर कुछ भी नहीं होया, तो जिस दे रोस वजो अज सारे पंजाब दे विच पुतले फूके जा रहे हैं। और 21 तरीक नूं देशभगत जारगल जलंधर दे विच एक कन्वेंशन होने जा रही है जिस दे विच अगले जिहड़े तिखे प्रोग्रामां दा ऐलान होना है। इस सरकार नूं साडी चेतावनी है जां तां ओह जाग जाए नींद तों, नहीं तां मुलाजमां ने जिस तरह पिछली सरकार बदली है, सरकारां कोई भी होण चाहे अकाली होण चाहे कांग्रेसी होण, उन्हां भी अपने जांदे खीरले समय दे विच कच्चे मुलाजमान लई एक नोटिफिकेशन लिआंदा सी, पर उह नोटिफिकेशन ही रह गया, ते इह सरकार भी कच्चे मुलाजमान दे नाल जिहड़े वादे कीते सी उह भी उत्थे दे उत्थे ही है। बारे मैं जोगिंदर सिंह कन्वीनर जिला अमृतसर, जो कि पंजाब सरकार दीआं नीतियां और लारे लप्पे मतलब मनप्रीत बादल दे, तुसीं देख ही रहे हो कल दा इक्को थोड़ा जिहा लफ्ज़ बोलदा कि मैं ये कह दिता कि 1 जुलाई तो ये कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी, लागू किहड़े रूलों नाल किहड़े असूलों नाल होगी ये सारी जनता जानती है। जिस रिपोर्ट नूं लैके ठंडे बस्ते च पा लिया 2 तरीक की कैबिनेट मीटिंग च विच विचारन की बजाए उन्हूं फिर मोड़ के 2 महीने का समा दे दिता है पे कमीशन नूं कि 31 अगस्त तक इहदी बुनियाद वधाई गई है। सानूं नहीं समझ लगती कि किहड़े असूलों नाल ते किहड़े रूलों नाल जिहड़ी आ 1 जुलाई तो लागू करके सारिआं नूं ये पे फिक्सा करवा दूगा ते किस ढंग नाल लोकां नूं लारे लप्पिआं चों कढूगा।